दोस्तों पिछले वीडियो में इंडिया की 10 पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात किया था, जहां आप लोग इस पैनाडोमिक सिचुएशन सही होने के बाद घूमने के लिए जा सकते हैं। उस वीडियो में इस प्लेस के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाहता था इस प्लेस के बारे में। मेरे हिसाब से सबसे पहले जब भी आप लोग कोई भी टूर पे जाने के लिए सोचेंगे तो इस जगह को एक बार जरूर जाना। इस जगह का नाम है सुंदरबन। दोस्तों पूरा देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन होने के बाद बहुत सारे परिवार ऐसा है जिन लोगों का इनकम पूरी तरीके से बंद हो गया। सुंदरबन की जो लोकेलिटी है ना, वहाँ पर इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ है। जब यहाँ पर टूरिस्ट आते थे तब यहाँ का लोगों का इनकम चलता था, बट अब ये पूरी तरीके से बंद हो गया। इसके साथ और एक प्रकृति का तांडव का भी शिकार है यहाँ का लोगों ने। अम्फान साइक्लोन के बाद यहाँ का जो लोग है उनका दुर्दशा और भी बहुत खराब हो गया। अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो तो इन लोगों का रोजी रोटी का जुगाड़ फिर से होने लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो इन लोगों का जो हालात है उन पे तरस खा के आप लोग यहाँ पर जाओ। सुंदरबन का जो प्राकृतिक दृश्य है वो सिर्फ ब्यूटीफुल बोल के बयां नहीं किया जाता। आप इस ब्यूटीफुल प्लेस को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ का जो हैंडमेड चीज़ है, वो कुछ आपके चॉइस के अनुसार खरीद के ले आओ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसमें आपका भी एंजॉय हो जाएगा और उन लोगों का भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में सुंदरबन की टूर प्लान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा लगभग हर वीडियो देख लिया फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग, बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर देख रही हो वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो ना यार। दोस्तों लगभग 90% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो आप लोगों का ये सब्सक्राइब, ये लाइक, कमेंट, ये मोटिवेट है हम लोगों के लिए। अगर आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुंदरबन की खास चीज है रॉयल बंगाल टाइगर, और एक खास चीज है दोस्तों ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरबन की जो टोटल एरिया है उसका 40% लगभग 40% एरिया इंडिया की वेस्ट बंगाल में एंड 60% एरिया बांग्लादेश में है। तो पूरा सुंदरबन छोटा छोटा आइलैंड में डिवाइडेड है। दोस्तों सुंदरबन आप साल का हर समय आ सकते हो। सुंदरबन घूमने के लिए आपको सिर्फ पानी में बोट के सहारे घूमना होगा। ये पानी का सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। सुंदरबन पहुंचने के लिए आप कार, बस या ट्रेन से जा सकते हो। अगर आप बाय बस या बाय कार जाते हो तो आप पहुंचोगे गोदखली पर। दोस्तों अगर आप ट्रेन से जाते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन है कैनिंग। कैनिंग से आपको या गोदखली या सोनाखली फेरीघाट पर आना पड़ेगा, या बाय बस या बाय कार से आ सकते हो। ये तो क्या आने का प्रोसेस, आप घूमने की बारी। दोस्तों पहले आप जाएंगे गोसाबा आइलैंड पर। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप लोग खुद से सब अरेंजमेंट करते हो तो यहाँ से आपको सब्जी, मछली, चिकन, मटन सब कुछ खरीद लेना होगा जो जो आपको चाहिए था। और अगर आप किसी टूर ऑपरेटर के साथ जाते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो लोग मेंटेन करेगा। पूरा सुंदरबन में आप लोग पाखीरालॉय, डोबांकी, सोजनेखाली और भी बहुत जगह में बहुत सारे वॉच टावर हैं, यहाँ पर आप घूम सकते हो। बोट से उतर के आप ये सारे वॉच टावर और कैंप में जाके वाइल्ड एनिमल की एक्टिविटी आप देख सकते हो। रॉयल बंगाल टाइगर, कोकोडाइल, मंकी, डियर, वाइल्ड पिग एंड बहुत सारे रेप्टाइल्स, स्नेक्स एंड बहुत सारे बर्ड्स आप देख सकते हो। दोस्तों नाइट स्टे यहाँ पर दोनों जगह में ही किया जा सकता है। अगर आपका लंच बड़ा है तो आप लंच में नाइट स्टे कर सकते हो।
इसके अलावा आप पाखीरालॉय की होटल में नाइट स्टे कर सकते हो। अगर आप पाखीरालॉय में नाइट स्टे करते हो तो यहाँ का जो लोकल म्यूजिशियन है उन लोगों का जो फोक म्यूजिक है उसका भी आनंद उठा सकते हो। तो सुंदरबन की जो टूर प्रोग्राम होता है ना वो 2 days 1 night या 3 days 2 night ऐसे करके होता है। आप अपना सुविधा अनुसार ये प्रोग्राम बनाइए। दोस्तों यहाँ के जो लंच होता है ना सारे लंच में लाइव किचन एंड बाथरूम की सुविधा है। मतलब आप लोगों का ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ खाना पीना लंच में ही होगा। आप सोचिए पानी के अंदर लंच में जाते जाते प्रकृति का खूबसूरती का आनंद लेते हुए आप लंच में ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हो, तब कैसा फीलिंग्स आएगा। दोस्तों यहाँ के लिए 2 days 1 night का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि सुंदरबन के लिए बहुत ही बड़ा प्रोग्राम नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से खुद से सारे अरेंजमेंट करने की जोखिम मत उठाइए, क्योंकि इससे आप घूमने की जो मजा है वो मिस कर देंगे। कोई भी टूर ऑपरेटर के साथ बात करके टूर पैकेज ले लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन टूर ऑपरेटर की वेबसाइट है, वेस्ट बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी आप टूर पैकेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ और एक टूर ऑपरेटर की लिंक भी मैं दे दूंगा। सब कुछ अच्छे तरीके से देखने के बाद आप कोई भी टूर पैकेज लेके सुंदरबन घूम के आइए। सुंदरबन की 2 days 1 night की जो टूर प्लान है ना उसका बजट लगभग पर हेड 4,000 to 6,000 तक हो सकता है। ये आपकी जो टूर इटनरी की चॉइस है उसके अनुसार होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कुछ काम आएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके वो सब्सक्रिप्शन, आपका वो लाइक, ये सब मेरे लिए मोटिवेट का काम करता है। तो आइए दोस्तों आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं।